जीतते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ माई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज ह्यूमैनिटी की जे। टुडे इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे एंड आई फील ऑनर्ड एज आई इंट्रोड्यूस द सेकेंड गेस्ट फॉर माई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज, मिस्टर अर्जुन गुप्ता। अर्जुन इज अ 21 ईयर ओल्ड ब्लॉगर एंड ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ व्हाई बीइंग क्वाइट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज आर फिजिकल हेल्थ, बट स्टिल हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसके बारे में जागरूकता नहीं रखते हैं। अर्जुन इज अ डिप्रेशन सर्वाइवर हिमसेल्फ। 2 साल तक डिप्रेशन से जूझने के बाद जब जिंदगी में उन्होंने वापस अपना कदम रखा है, ही इज मेकिंग ऑल द अटेम्प्ट्स टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड इंस्पायर अदर्स। ही इज स्प्रेडिंग ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड मेंटल हेल्थ एंड ही इज रेजिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। So without wasting time, let's hear from Arjun himself. He has got a very inspiring story to share. I'm sure जिससे आप में से काफी लोगों को inspiration मिलेगी. Welcome to the episode of Humanity Ki Chain, Arjun. Hey everyone, I am Arjun Gupta. Currently living in Delhi, लेकिन originally मैं हिसार हरियाणा का हूँ. अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ फ्रॉम रामानुजन कॉलेज, लेकिन इससे पहले कुछ 2-3 साल पहले मैं MBBS पढ़ रहा था, पहले रोहतक से और उसके बाद बेंगलोर से। तो फिर प्रियंका ने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करने में हेल्प करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इसके अराउंड जो स्टिग्मा होता है कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 2015 की बात है जब मैं सबसे पहले MBBS कॉलेज में जाने वाला था। स्ट्रेट आउट ऑफ 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत अच्छे नंबर आए, सब कुछ थे, सारा सक्सेस था जो भी जा सकता था, दोस्त थे। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मेरे को थोड़े नेगेटिव से थॉट्स आने लगे थे, हर चीज़ कलरलेस सी लगती थी और एक खालीपन सा लगता था। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने नोटिस किया कि कुछ ठीक सा नहीं है, मतलब मैं जो चीज़ें मेरे को पढ़ने में पहले मज़ा आता था वो पढ़ने में मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, जिन लोगों से बात करने में मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था, ऐसे एक बिलोंगिंगनेस सी जो फील होती थी मेरे को, वो ख़त्म सी हो गई थी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को आइसोलेट करने लग गया, किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। और 2 महीने के बाद ही आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज विच वॉज सपोजिटली द कॉलेज ऑफ माई ड्रीम्स, उसको मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट लेनी थी और मेरे से वहाँ पे जाया नहीं जा रहा था। उसके बाद मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस पॉइंट पे, उन्होंने समझा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करने को बोला। और साइकोलॉजिस्ट के पास गया मैं, साइकाइट्रिस्ट के पास गया, लेकिन फिर भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे 2016 आ गया, मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में एक डिसीजन लेना था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं बेसिकली। तो मैंने डिसाइड किया कि मे बी अगर मैं दूसरे शहर में जाकर ट्राई करूँ तो शायद वहाँ पे बेटर हो। लेकिन मैंने फिर से दिया नीट का पेपर, फिर से क्लियर हो गया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसी हालत में था जब मैं दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ सकता था। लेकिन उस हालत में भी मैंने आराम से पढ़ा मैं और नीट क्लियर किया। सो दैट वाज अ प्रीटी बिग अचीवमेंट फॉर मी। फिर उसके बाद फिर से नीट क्लियर हुआ, मैं बैंगलोर में गया उसके बाद एडमिशन लेके, और मेरे को था कि बैंगलोर है, बड़ा शहर है, वहाँ पे तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, वहाँ पे हर कोई बहुत सपोर्टिव था। मैंने वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लिया, निमहांस जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है फॉर मेंटल इलनेसेस, वहाँ पे गया मैं, लेकिन अगेन इट्स द सेम थिंग, नथिंग वॉज हेल्पिंग। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि आप इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी ट्राई करिए, जिसमें आपको ब्रेन में शॉक्स देते हैं, और मुझे बोलते थे कि अगर किसी और चीज़ से ठीक ना हो तो इस चीज़ से तो पक्का ठीक हो जाएगी आपकी डिप्रेशन। लेकिन उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे 2017 तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अंदर से खालीपन सा आ जाता है, मतलब अपने आप से नफरत होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ करने का कुछ पॉइंट सा नहीं रह गया।
तो ऐसे में काफ़ी एक सेल्फ हार्म का भी मेरे को काफ़ी टेंडेंसी थी, जिसमें अपने आप को चोट पहुँचाते हैं लोग ताकि कुछ फील हो सके, कुछ पेन फील करने के लिए। काफ़ी बार मैंने वो भी किया, दो तीन बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करी, लेकिन थैंकफुली दे डिडंट वर्क। और उसके बाद जैसे 2017 शुरू हुआ, मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब मैंने ट्रीटमेंट सारी ट्राई कर ली है लेकिन उससे काम नहीं हो रहा है, तो लेट्स गो फॉर समथिंग डिफरेंट। एंड आई रोट अ लॉन्ग फेसबुक पोस्ट और मैंने उसको शेयर किया अपने फेसबुक पोस्ट पे, अपने फेसबुक वॉल पे, एंड द सपोर्ट वाज अमेजिंग। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि किसी को मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ मतलब अगर मैं मर भी जाऊँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने वो सारे फेसबुक के मैसेजेस देखे, सबके कमेंट्स देखे, मतलब जिनसे मैं 10 सालों में नहीं मिला हूँ उनके भी कमेंट्स आ रहे थे, उनसे भी बातें हो रही थी मेरी, मेरे को ऐसा फील हुआ कि लोगों को मैं याद हूँ। मतलब आई एम अलाइव इन समवन्स मेमोरीज। तो उससे एक थोड़ा स्पार्क सा मिला मुझे कि चलो कुछ बेटर होने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने फिर से रिकवरी स्टार्ट करी, नए डॉक्टर के पास गया, नई मेडिसिन स्टार्ट करी और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई। एंड मैंने थोड़े दिन बाद एक ब्लॉग लिखना शुरू किया नाइट ऑफ स्टील के नाम से। नाइट ऑफ स्टील नाम इसलिए क्योंकि 2016 में एक मूवी आई थी, बैटमैन वर्स सुपरमैन, एंड आई फाउंड दैट मूवी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को सिर्फ ये था कि बस इसलिए ज़िंदा रहना है क्योंकि मेरे को इस मूवी का सीक्वल देखना है जो 1.5 साल बाद आना था जस्टिस लीग में। तो उस मूवी ने मेरे को इतना इंस्पायर किया कि मैं आज जो भी करता हूँ, नाइट ऑफ स्टील, जो भी ब्लॉग लिखता हूँ, सारे उसी के नाम पे रखता हूँ ताकि उसकी भी एक मेमोरी रहे कि उन्होंने एक मूवी कितना इंस्पायर कर सकती है किसी इंसान को। और उसके बाद से मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के एरिया में आ गया हूँ। आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म मोर एंड मोर पीपल कि कितनी प्रेवलेंट होती है ये बीमारियाँ, डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस, एंग्जाइटी, OCD, PTSD। और सुसाइड्स के बारे में मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ बिकॉज जैसे कि बोलते हैं कि हर 2 मिनट में एन इंडियन डाइज बाय सुसाइड, एंड येट हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ ज़्यादा इसके बारे में। अब एक स्टिग्मा है, लेकिन स्टिग्मा इसलिए रहता है क्योंकि अब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हम बात ही क्या करें। तो इस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए, इस इन्फॉर्मेशन का जो एक वैक्यूम सा है इसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक बुक लिखी है रिसेंटली बाय द नेम डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके, जो मेरे साथ ही इसी एरिया में काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छी लगी, जिनके लिए ये एरिया ही एकदम नया था उनको भी बहुत अच्छी लगी, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स सबको बहुत अच्छी लगी है। एंड मेरे को यही लगता है कि हम अगर लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए उनको मीन्स देंगे इन्फॉर्म करने के लिए, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तैयार है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बीमारियाँ होती क्या है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकूँ। आई एम रियली ग्लैड प्रियंका भी इसी चीज़ में कोशिश कर रही है और उन्होंने एक पूरा चैनल खोला इसके लिए वर्चुअल स्याही के नाम से। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क। तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। तब तक मैं यही काम करता रहता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ लेक्चर देना, लोगों को मोटिवेट करना, इन्फॉर्म करना, और बस यही थोड़ा थोड़ा करके ही, एक एक दो दो लोग करके ही, बस जितनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, जितना लोगों को इंस्पायर कर सकें दूसरों को हेल्प करने के लिए और अपने खुद के लिए हेल्प सीख करने के लिए, उतना बेटर रहेगा। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें एज अ कम्युनिटी एंड एज एन इंडिविजुअल प्रमोट करनी है। सो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सनस टास्क, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा और तभी ये सोसाइटी एक मेंटली हेल्दी सोसाइटी बन सकेगी। तो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू सून, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arjun, for joining me in this initiative. It really matters when people take out time and share a part of their life to inspire others. It really matters. So thank you so much once again. आप ही मेरी इस कड़ी का, इस humanity की chain का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई story है या कोई ऐसा message है जिससे लगता है सुनकर किसी का दिन बन जाएगा या किसी को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी, तो do connect with me. मुझे email कीजिए, मैं आपको सुनूंगी। एंड प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.